आम निर्वाचन के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है, जिसमें 6,353 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 30,56,648 मतदाता कुल 62,723 उम्मीदवारों की जो किस्मत का फैसला करेंगे, और इनमें 15,21,721 महिला, 15,34,894 पुरुष और 33 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। इस चरण में मतदान से पहले ही 15,147 पदों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के दूसरे चरण में प्रदेश के 21 जिलों के 36 विकास खंडों के 2,505 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। इस दौरान कुल 23,013 पंचायत प्रतिनिधि चुने जाएंगे और 19,870 वार्ड पंच और 2,396 सरपंच, 658 जनपद सदस्य और 89 जिला पंचायत सदस्य भी इसमें शामिल हैं। अधिक जानकारी के साथ शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। शिवम, जिस तरीके से देखा जाए दूसरा चरण है त्रिस्तरीय चुनाव का, और इस चरण में क्या जो देखा जाए फर्स्ट चरण में देखो कोई ऐसी कोई घटना नहीं मिली और शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और कितने जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कितने प्रत्याशियों की आज जो किस्मत है वो उसका फैसला करने वाले मतदाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आज दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें करीबन गुरुवार को कल मतदान केंद्र द्वारा मतदान दलों द्वारा रवानगी हो गई थी अपने अपने मतदान केंद्रों पर और पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन देखा जा सकता है कि देखने वाली बात है कि अब पहले चरण के चुनाव में भारी अव्यवस्था देखने को मिली है, कई जगह विवाद देखने को मिले हैं, कई जगह मशीनों के कारण वोटिंग रोक दी गई थी, ग्रामीणों द्वारा घेराव कर लिया गया था। तो इतनी अव्यवस्था के बीच अब देखना पड़ेगा कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग कितनी तैयारियां की है, उस पहले चरण से कितनी उसे सीख मिली है और आगे दूसरे और तीसरे चरण का मतदान जो है वो कितना सफल होने वाला है। मतदान करीब सुबह 7 बजे से 3 बजे तक रहने वाला है, 7 बजे से मतदान चालू हो गया है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर सुबह 7:45 बजे से मतदान चालू हो गया है। और इसी बीच जो अव्यवस्था थी प्रथम चरण के चुनाव में वो काफी ज्यादा देखने को मिली है नक्सल एरियो पर और संवेदनशील इलाकों पर। अब इसके बाद दूसरा चरण और तीसरे चरण का चुनाव 3 फरवरी को है, उसे भी देखा जाएगा। बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से कहा कोई ऐसी कोई बड़ी अप्रिय घटना तो नहीं घटी, लेकिन जिस तरीके से अव्यवस्था का जिक्र किया आपने वो वाकई थी। जिस तरीके से कुछ बूथों पर खबर आ रही थी कि वहां पर महिलाओं के साथ कुछ लोग शराब पीकर वहां पर पहुंच गए हैं, महिलाओं को तंग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही सुरक्षाकर्मी तैनात था जिसकी वजह से वहां पर अव्यवस्था देखने को मिली। क्या इस चीज में इसके बाद सुधार किया गया है कि एक सुरक्षाकर्मी के भरोसे पूरा बूथ केंद्र छोड़ा गया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को तैयारियों को लेकर उसकी सुरक्षा को लेकर दावा कर रही थी, वो दावा कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल होता हुआ दिखा। प्रथम चरण में कई केंद्रों पर मतदान दलों के साथ ग्रामीण हावी हो गए, कई केंद्रों पर मतदान दलों की जो गलती थी उससे अव्यवस्था फैली रही, कई जगह कई कई घंटे मतदान रुके रहे, कई केंद्रों पर अधिकारियों की मनमानी चली और इसके चलते मतदान का भी प्रभावित हुआ है और जो मतदान क्षेत्र थे उस जगह पर अव्यवस्था बनी रही और ग्रामीण जो मतदाता थे वो भी काफी ज्यादा परेशान हुए। तो अब इसको लेकर के दूसरे चरण के चुनाव पर अब देखने वाली बात है कि कितनी तैयारियां की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से और प्रथम चरण की जो गलतियां थी उसे लेकर वो उन कितनी सीख मिली है कि वो दूसरे चरण और तीसरे चरण के मतदान में इस अव्यवस्था को दूर करके पूरा सफल मतदान करवाएंगे। सुनिए शिवम, इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और हमारे साथ आशुतोष तिवारी भी जुड़ गए हैं सहयोगी। आशुतोष, जिस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या वहां पर आलम है जो फर्स्ट चरण में देखने को मिली थी व्यवस्थाएं, क्या उनमें सुधार हुआ है और लोग कितनी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में
सुबह 6:45 से चुनाव चालू हो चुका है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और काफी तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, काफी संख्या में। ठंड है उसके बावजूद भी लोग घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार बूथों में पहुंच रहे हैं। और यहां पर वोटरों की बात की जाए तो 1,58,000 मतदाता यहाँ पर है और 354 मतदान केंद्र में मतदान हो रहे हैं यहाँ पर। और लगातार सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो 500 से अधिक जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है और बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा लेने पहुंचे हैं मतदान केंद्रों में। और अव्यवस्था की बात की जाए तो जो पिछले प्रथम चरण में जो अव्यवस्थाएं दिखी थी, व्हील चेयर नहीं थे और कतार लगी थी, कतार में जो वोटिंग है वो काफी धीरे चल रही थी, जिससे लोगों में रोष भी था और जो झड़प का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था वो अभी ठीक कर दिया गया, उसको दुरुस्त किया गया है और व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। और मतगणना के पश्चात जो प्रथम चरण में जो लगातार लापरवाही हुई थी और ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे थे कि हमारे साथ यहाँ पर धांधली किया गया है, पैसे लेकर दूसरे प्रत्याशी को जिताया गया है, तो इस बार ये देखने वाली बात होगी कि क्या उसको दुरुस्त करते हैं कि नहीं। क्योंकि निर्वाचन अधिकारी लगातार हम पिछले जो प्रथम चरण में जो चुनाव हो रहे थे उसमें लगातार हम खबर चलाए थे, खबर के माध्यम से जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो संज्ञान में लिए और उस व्यवस्था को दुरुस्त किए हैं इस बार। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या क्या मतगणना के दौरान ऐसा कुछ घटना ना हो, ऐसा कुछ यहाँ पर ना हो जिसमें गांव ग्रामीणों की रोष जागे और वैसा असुविधा फिर से दोहराया जाए। जी पूरे चुनावी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका आशुतोष। वहीं मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज